दोस्तों आपको एक गुजराती लड़की की कहानी बताते हैं। एक गाना है जो YouTube पर धमाल मचा रहा है। दो साल में इस गाने को 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ लोग देख चुके हैं। गाना अपलोड हुआ था अप्रैल 2017 में, अभी चल रहा है जुलाई 2019। गाने का टाइटल है रोना शेरमा, गुजराती गाना है। इसकी सिंगर है गीता रवारी, गुजरात की फोक सिंगर है यानी लोक गायिका है। इस वक्त अपने गानों को लेकर तो खबरों में है ही, लेकिन एक दूसरी वजह से भी लोग इनके बारे में बातें करते हैं। वो वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल 8 जुलाई को गीता संसद पहुंची थी पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए। उसके बाद खुद पीएम मोदी ने गीता के साथ की अपनी दो तस्वीरें ट्विटर पर डाली और बताया कि वो भी गीता की आवाज़ के बड़े फैन हैं। साथ ही गीता की तारीफ भी लिखी। पीएम मोदी ने लिखा, गीता रवारी गुजरात की युवा और बेहतरीन गायिका हैं जिनके काम ने पूरी दुनिया में गुजरात का नाम कर दिया है। मुझे याद है कि मैंने गीता को सिंगिंग में करियर बनाने के लिए कहा था। मुझे उससे मिलने का मौका मिला था। उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानकर मुझे अच्छा लगा। गीता जैसे लोग हमारी सोसाइटी को इंस्पायर करते हैं। बहुत ही सिंपल परिवार से हैं। उन्होंने बहुत लगन से सिंगिंग पर फोकस किया था और उसे अच्छा भी बनाया। उन्होंने युवाओं तक लोकगीतों को पहुँचाया है, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अब बताते हैं आपको गीता रबारी की कहानी। गीता गुजरात के कच्छ के एक बहुत छोटे से गांव तप्पर की हैं। मालधारी समुदाय के लोग इस गांव के इलाके में काफ़ी ज़्यादा हैं। यह समुदाय मुख्य तौर पर जंगलों में रहता है। गीता भी इसी समुदाय में पैदा हुई थी साल 1996 में। शुरू में स्कूल नहीं जाती थी। गुजरात में उस वक्त बच्चियों की संख्या भी बहुत कम थी, सेक्स रेशियो भी बहुत कम था। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने बेटी बचाओ कैंपेन की शुरुआत की थी। इसकी जानकारी गीता के पिता को भी लगी। उन्हें इस कैंपेन का एक पोस्टकार्ड मिला। उसके बाद उनके पिता ने उन्हें स्कूल भेजने का फैसला लिया। गीता ने पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं मालधारी समुदाय से आती हूं और हम लोग पहले जंगल में रहते थे। मेरे पिता को एक पोस्टकार्ड मिला था जिसमें बेटी बचाओ बेटी बधाओ स्कीम का मैसेज लिखा था। उसी स्कीम की वजह से मेरे पिता ने मुझे स्कूल भेजना शुरू किया। इसके अलावा गीता ने अपनी लाइफ की उस घटना के बारे में भी बताया जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। गीता जब छोटी थी स्कूल में थी तब एक फंक्शन में पीएम मोदी आए थे। उस वक्त वे गुजरात के सीएम थे। मैंने वहां गाना गाया था। उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पर 250 रुपये दिए और कहा मेरी आवाज़ अच्छी है, मुझे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और गाते रहना चाहिए। अब जब गीता का गुजराती गाना रोना शेरमा हिट हो गया तो वो पीएम मोदी से आशीर्वाद लेने पहुंच गईं। उन्होंने पीएम मोदी के लिए भी एक गाना लिखा था। छोटे से गांव से आने वाली गीता 22 साल की हैं और गुजरात की बड़ी फोक सिंगर बन चुकी हैं। वे दूसरे देशों में भी जाती हैं गाने के लिए। आप देख रहे थे द दस्तक 24 की पेशकश। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।